पहले से बहुत सुधार है और इसका मैं श्रेय इंटरनेट को भी बहुत देता हूँ, वरना पहले जो थे वो बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत ही ऐसा बना के रखा हुआ था कि नहीं आपको नहीं समझ आएगा, नहीं ये ध्रुपद जो है बहुत ही कठिन है, बहुत वो है। तो मैंने एक बार ये सवाल भी उठा लिया था किसी किसी से कि भैया कि अगर ध्रुपद इतना मुश्किल है तो ख्याल आसान है क्या? तो फिर उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर काहे को इसको उसमें लगाया हुआ है आप लोगों ने? और अब परिस्थितियां बदल गई हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं, इवन आलाप भी बहुत सुनना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हमको थोड़ा सा आलाप सुनाइए बंदिश के अलावा, तो क्योंकि राग खुद एक बंदिश है स्वरों की, उस स्वरों की बंदिशों में सैकड़ों बंदिशें आ सकती हैं और आ जाती हैं। और बहुत सारे लोग जो है सिर्फ बंदिश के आधार पर सोचते हैं कि राग का मूड यही है, राग का यही मूड है, यही इसका चलन है, यही इसका वो है। लेकिन एक राग राग में कई बंदिशें बन सकती हैं और कई अलग अलग मूड के, बहुत अलग अलग लिरिक्स के हिसाब से बंदिश कंपोज की जा सकती है। तो राग का अपना एक पूरा एक व्यक्तित्व है, जैसे हम बहुरूपी हैं इस तरह से राग भी बहुरूपी है, और बहुरूपी होने के अनुसार उसके अंदर कई चीज़ों को हम किस तरह से एक व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं उसके अनुसार जो है हमारे हमारे वाक्य चेंज हो जाते हैं, हमारे शब्द बदल जाते हैं। तो मेरी किस तरह से मालकौन से जान पहचान है मैं उस हिसाब से इलैबोरेट करता हूँ, किसी और की किस तरह से जान पहचान है वो उस तरह से इलैबोरेट करता है। तो हम जो है हर इंसान के अनुसार हम अपने वोकेबलरी बदल लेते हैं, हम अपने हमारे शब्द बदल जाते हैं कि हम उसको क्या समझाना चाहते हैं, हम क्या संदेश देना चाहते हैं। हम राग का वही संदेश देते हैं लेकिन अलग तरीके से देते हैं। तो इसके पर डिपेंड करता है कि कौन सी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, उसके अनुसार वो चेंज हो जाता है। तो अब बहुत फ़र्क आ गया है, लोग सुनना चाह रहे हैं इंटरनेट द्वारा और ये लोग काफ़ी अपलोड और डाउनलोड करने लगे हैं, तो अब अच्छा है। लेकिन मैं फिर यही अनुरोध करूंगा लोगों से कि जितना और बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है, और अभी मैं यही चाहूँगा कि करिकुलम में भी आए जो BA और MA में जो जिस तरह से ध्रुपद धमार हैं लेकिन उनको मुफ्त के मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसको ज़रा सा उन लोग थोड़ा सा उनको और भी बड़ा स्थान मिलना चाहिए जिसमें लोगों को प्रोत्साहन मिले, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन मिले कि हमको इसमें डिग्री मिल सकती है, तो उससे उससे अच्छा होगा कि और भी जगह मिल जाएगी। और वैसे भी मैं आज से 10-15 साल पहले भी आपके साथ मेरी शायद इंटरव्यू हो चुका है, उस टाइम भी मैंने कहा था कि मैं हाफ एम्प्टी कहना नहीं पसंद करता, कहूँगा हाफ फुल है। तो ये दृष्टिकोण है, कोई आधा आधा खाली बोलता है, कोई आधा भरा हुआ बोलता है, तो मैं आधा भरा हुआ ही तब से बोलता आ रहा हूँ, अब तो आधे से भी और बड़ा बढ़ गया। आई एम सेटिस्फाइड एंड श्योर, चाहे हम हों या नहीं हों ध्रुपद हमेशा रहेगा, और इसी के लिए हम जी रहे हैं, इसी के लिए हम मर भी जाएंगे, ऐसा हो जाए।